हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। आपके सामने है मोगरा का बहुत ही कमज़ोर पौधा और आज मैं इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि दोस्तों ये हमारे गार्डन में बहुत ही पुराना पौधा है और अब देखिए मरने के कगार पे आ पहुँचे हैं। तो इनकी टहनियों में न जाने कौन सा कीड़ा लग चिपक गया कि बिल्कुल सुखा दे रहा है, और अगर मैं इस समय इनकी केयर नहीं करती हूँ, देखभाल नहीं करती हूँ दोस्तों, तो ये पूरी तरह से मर जाएंगे। फिर से मुझे नर्सरी दोबारा जाना पड़ेगा इनके लिए और पैसा लगेगा, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैं इन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश करूँगी ताकि मोगरा का पौधा हमारा बच सके, फिर उसके बाद ये हरा भरा भी हो जाए और फूल देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं इनकी टहनियों को चेक कर लेती हूँ, जो बिल्कुल सूखी सूखी सी दिख रहे हैं, तो मैं इन्हें देख लेती हूँ कि ये अंदर से हरी भरी है कि नहीं। तो थोड़ी बहुत हरी दिख रही हैं, लेकिन मुझे भरोसा भी है कि अगर मैं इन्हें अच्छी तरह से देखभाल कर लेती हूँ ना, तो ये बच जाएंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी इन्हें बचाने की। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम इनकी घास को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो समझ में आ रहा है मैं वही करूँगी, और मुझे बचाना है और भरोसा भी है कि बच जाएंगे। तो दोस्तों इनकी टहनियों पे जो है कीड़े चिपक गए हैं, बाकी टहनियाँ तो सूखी सूखी सी हो गई, लेकिन एक पतली सी टहनी है जो आपके सामने दिख रही है। अब इन्हीं पर उम्मीद है और हमें पूरा भरोसा है कि ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर उसके बाद इनमें ढेर सारे पत्ते आएंगे और फिर से अच्छी ग्रोथ होगी। कोशिश हमारी यही है कि हमारा पौधा बच जाए। तो दोस्तों कोई भी प्लांट हो, अगर वो बेकार होने लगता है तो बहुत अंदर से दुख होता है। और इनमें मैं आपको बताऊँ कि विंटर सीजन में मैंने खाद पानी देना बंद कर दिया, क्योंकि ये समर में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, और इस समय अगर आप इनकी कटिंग भी लगा के छोड़ देते हैं ना दोस्तों, तो कटिंग बहुत ही आराम से लग जाती है। और केयर करने की बात है तो केयर तो बिल्कुल नॉर्मली जिस तरह से सभी पौधों का करते हैं उसी तरह से इनका भी करते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत ही गड़बड़ हो चुकी है और बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो खूब अच्छी तरह से हम इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है इसमें खाद पानी देंगे ताकि इनमें जान आ सके। ये देखिए, और मिट्टी की बात करें दोस्तों तो मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है, इनमें सैंड है और अपने गार्डन की ही मिट्टी है। बराबर तो कंपोस्ट मिलते थे गर्मियों में, सर्दी भर मैंने इनमें कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सर्दी में ये बिल्कुल बेकार से हो जाते हैं। और इस सर्दी का ही असर हुआ दोस्तों कि हमारा मोगरा का पौधा जो है पूरी तरह से ख़राब होने के कगार पे आ पहुँचा। तो मैं सबसे पहले इनकी कटिंग कर देती हूँ, यहाँ से कट करके हटा देती हूँ। और ये देखिए इनकी टहनी में जो सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहा है ना दोस्तों, एक कीड़ा चिपका हुआ है, इसे भी हमें हटाना है। अगर मैं इसे नहीं हटाती हूँ ना, तो ये टहनी जो धीरे धीरे सूख जाएगी, क्योंकि इसकी टहनी को ख़राब करने के लिए कीड़े चिपके हुए हैं। ये देखिए मैं वर्मी कंपोस्ट जो है 3-4 मुट्ठी जो है इसमें डाल देती हूँ। वर्मी कंपोस्ट हुआ, गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद हुई, या तो फिर केले की छिलके का जो हम पाउडर बनाते हैं उसको डाल सकते हैं, पत्तियों की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, या फिर इनकी गुड़ाई उड़ाई करने के बाद हम लिक्विड फर्टिलाइजर भी इसमें दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास ये है तो मैं इसका भी इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर बदल बदल के हम खाद देते रहेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हम मिट्टी में इन्हें मिला लेते हैं। तो अब इन्हें पोषक तत्वों की भी ज़रूरत है और धूप की ज़रूरत है, समय समय से केयर की ज़रूरत है। अगर मैं इनके ऊपर समय समय से केयर कर दी ना दोस्तों, तो देखिएगा हमारा मोगरा का पौधा एकदम अच्छी तरह से बच जाएगा और इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। और जब ये तैयार हो जाते हैं ना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, मुझे भी खुशी होगी कि हाँ मैंने इन्हें बचा लिया। तो दोस्तों अब हम बताते हैं इनके ऊपर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि इनकी टहनियों में जो कीड़े लगे हैं इन्हें हटाना है। ये देखिए मैं इसके ऊपर नीम की पत्तियों का बना हुआ जो है पेस्टिसाइड लगा रही हूँ, नीम की पत्तियों का। ये देखिए अब देखिए कीड़े धीरे धीरे हट रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो रहे हैं। तो इस टहनी पर ही उम्मीद है दोस्तों, और ये टहनी हमारी बिल्कुल हरी भरी रही ना, तो अच्छे से जो है ये चल पड़ेंगे। ये देखिए नीम की पत्ती हम ऐसे करके रख देते हैं, क्योंकि नीम का तेल मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं इनकी पत्तियों का जो है कीटनाशक इस पे बना के जो है अपने पौधों पे छिड़क देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से हम साफ़ कर देंगे, फिर उसके बाद इनमें पानी उन्हें देकर धूप में रख देंगे, और देखिएगा बहुत ही बढ़िया से जो है ये तैयार हो जाएंगे। बस यही करना था और इसी पर भरोसा है, अब देखिए क्या होता है। लेकिन अगर ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर गए ना दोस्तों, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, बहुत ही आसानी से हम इसे बचा लिए।
पानी दे देते हैं, पानी भी बहुत ही अच्छी तरह से देंगे। अब देखिएगा इन्हें पूरा आहार मिलेगा, फिर उसके बाद जो है ये अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। ये देखिए, तो अब मैं जो है इनमें देखिए पानी भी दे रही हूँ और खाद मैंने दे दिया, नीम खली भी मिला दी मैंने। तो सब कुछ करने के बाद जो अब मैं ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे इन्हें 2-4 घंटे की अच्छी खासी धूप मिले, और फिर उसके बाद जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, पत्तियाँ निकलने लगती है, तो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।